32 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। तो आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों पर मुकदमे कराए जा रहे हैं। यही नतीजा है कि पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था, तो सरकार द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। तो वहीं अब होम क्वारंटाइन से बाहर निकले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के प्रदर्शन के बाद उन पर भी मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रहे मुकदमे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर थी, लेकिन सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ने नहीं दिया, लेकिन भाजपा की सरकार के समय कच्चे तेल की कीमतें निम्न स्तर पर थी, लेकिन फिर भी पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिससे गरीबों पर दोहरी मार पड़ती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लगवा कर गरीबों की आवाज़ को उठाने से रोकना चाहती है तो इससे कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। काशीपुर उत्तराखंड से न्यूज़ 22 इंडिया के लिए एफ यू खान की रिपोर्ट। देखिए, जो यूपीए का कार्यकाल था, जो हमारी सरकार का कार्यकाल था, उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य अपने उच्चतर स्तर पर था, तब भी हमने पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित रखने का काम किया। अब तो निम्न स्तर पर है, लेकिन ये सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो स्वाभाविक बात है महंगाई बढ़ेगी। कई राज्यों में तो ये स्थिति हो गई है कि डीजल का मूल्य ज़्यादा है और पेट्रोल का कम है। ऐसी विषम परिस्थितियों में, क्योंकि गरीब आदमी पर दोहरी मार है, एक को कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, दूसरे पेट्रोल डीजल की वजह से महंगाई से जो है वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। कांग्रेस गरीब आदमी की आवाज़ बुलंद करने का काम कर रही है, सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने का काम कर रही है। अब सरकार अगर मुकदमों से जो है कांग्रेस को डराना चाहती है तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, एक नहीं 100 मुकदमे दायर कर दे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जनहित का ये विषय है, इसके खिलाफ हम लगातार मुखर होने का काम करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 22 इंडिया। खबर भी, असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।